हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे कि बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, कि हमारा जो बॉर्डर होता है वो हमारे बैक साइड पे और बाजू पे भी आराम से आ जाए। तो चलते हैं, हम बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करके बताते हैं। चेस्ट का नाप है 36 इंच का और बहुत ही ईजी और सरल कटिंग हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो कपड़ा होता है ब्लाउज का पीस होता है वो अच्छे से आपको बिछा लेना है। बॉर्डर नीचे की तरफ आपको रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। बैक वाले पार्ट आपका जितना लंबाई, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लंबाई रखेंगे 14 इंच का। नीचे बॉर्डर है हमारा, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, सारे 14 इंच, और नीचे पट्टी लगा के हम तिरपाई वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फिर कपड़े को ऐसे ओपन करके इस टाइप से आपको फोल्ड कर लेना है। जैसे कि आप देखिए, इस टाइप से आपको फोल्ड करना है। ब्लाउज की जितनी लंबाई है उतनी आप लंबाई ले सकते हैं। मैक्सिमम ब्लाउज की लंबाई कभी भी 14 इंच से ज्यादा आप ना रखें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज की लंबाई का नाप लेना है। पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम, इस अच्छे से इसको अच्छे से बिछा लीजिए आप। नीचे हाफ इंच हमारा है तो हमें नीचे कमर पट्टी लगाना है, इस बात का ध्यान देना है। हाफ इंच में एक्स्ट्रा लेंगी, अगर सादा ब्लाउज रहेगा, विदाउट बॉर्डर रहेगा तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमर का ब्लाउज का नाप ले लेते हैं, कितने इंच का ब्लाउज का नाप है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा 13.5 इंच की ब्लाउज की इनकी लंबाई है, 13.5 इंच की ब्लाउज की लंबाई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई। उसके बाद चेस्ट का जो नाप है वो चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो चेस्ट का नाप आप हुक बंद करके भी ले सकते हैं, एक चौथाई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पार्ट का नाप लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे जहाँ से फिटिंग की सिलाई है वहाँ से इंची टेप को रखते हुए देखेंगे तो हमारा 36 इंच का चेस्ट आ रहा है, यानी एक पार्ट हमारा 9 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36 का चेस्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी बाजू की नाप लेनी है। तो बाजू टोटल आप देख रहे हैं, हमारा बाजू है टोटल 6.5 इंच का। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 6.5 इंच की बाजू, 6.5 इंच की बाजू का हम ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नाप ले लेते हैं, 13.5 इंच की ब्लाउज है तो हम यहाँ पे रखेंगे 14.5 इंच का, जो ऊपर हाफ इंच शोल्डर के सिलाई में चला जाएगा और नीचे हाफ इंच जब हम पट्टी जोड़ेंगे कमर पट्टी, तो उसमें फोल्डिंग में ये चला जाएगा। अगर हम ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा रखते हैं तो हमारा बॉर्डर बहुत ही कम आएगा ब्लाउज पे, तो इसके लिए बॉर्डर पूरा चाहिए तो हम कमर पट्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे निशान लगा देंगे हम, 14.5 इंच में हम निशान लगा देंगे इस टाइप से। उसके बाद सबसे पहले हमें लेना है शोल्डर और आर्म होल की नाप। तो सादे ब्लाउज में हम कभी भी ब्लाउज की जो कटिंग होती है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है वो फैलता है। तो कभी भी आप शोल्डर का नाप रखें 5.5 इंच का, 5.5 ना रखें, 5 इंच रखें। मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि जितना ही कम शोल्डर आप रखेंगे आपका कंधा उतना ही कम गिरेगा। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में एक और बात बताएंगे कि बहुत लोगों का जो आगे का कंधा होता है वो आगे की तरफ चला आता है चेस्ट के पास, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्म होल का नाप ले लेंगे 5.5 इंच का। इस लाइनिंग को हम सीधा कर लेंगे ऐसे, इस लाइनिंग को सीधा कर लेना है। उसके बाद एल टाइप का हमें निशान लगाना है ऐसे, क्योंकि 36 इंच का हमारा चेस्ट है तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिए। 5.5 इंच का आर्म होल है। मेरा वीडियो बीच में थोड़ा सा रुक गया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हूँ, तो मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ। 5.5 इंच का मैं आर्म होल ली हूँ। अगर आपका चेस्ट जितना इंच का है उसका एक चौथाई लेना है, तो हमारा 36 का चेस्ट है तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाए हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिंग रखा हुआ है। गलती से मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया, 36 का चेस्ट है तो। और इस लाइनिंग को जो हमारी सिलाई है इसकी फिटिंग की सीधा करेंगे, ये मार्जिंग है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हम कट का निशान लगा दे रहे हैं कि आपको पता चले कि ये हमारी सिलाई है, फिटिंग की सिलाई है। 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन ले रखा है। और यहाँ पे 1 इंच का तीरा का निशान देके और इसकी आपको गोलाई देना है। अगर आप चाहे तो चंदा जो होता है चांद ड्रॉ करने वाला, उससे भी आप गोलाई दे सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और सरल कटिंग हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है आपको। और इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे जितने इंच का आपको ब्लाउज का गला रखना है उतना इंच रखिए। यहाँ पे हम लिख देंगे पीछे, जिसे आपको समझ में आए कि हमारा ये पीछे वाला पार्ट है। बहुत लोगों का होता है कि आगे और पीछे का पार्ट सेम कटिंग कर देते हैं, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कभी भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि आज जो कंधा का सिलाई है वो आगे की तरफ झुकाव हो जा रहा है चेस्ट की तरफ, तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है ये भी हम वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग। यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे जिससे पता चले कि हमारी सिलाई यहीं से है, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है सब, और ये फिटिंग और मार्जिन की सिलाई। इसके बाद हमें क्या करना है, कपड़े को ऐसे अच्छे से फिर से आपको बिछा देना है। इसके बाद हमें
आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो कभी भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा पीछे से ब्लाउज ऊपर की तरफ ना उठे और जो हमारा कंधा है वो आगे की तरफ ना गिरे चेस्ट की तरफ, तो आप कभी भी आगे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट से आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे, जैसे कि आपको नाप के हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 इंच है, 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रखी हूँ, क्योंकि अगर आप आगे और पीछे का पार्ट सेम कटिंग करेंगे तो चेस्ट हैवी होने की वजह से जो हमारा कंधा का सिलाई होता है वो आगे की तरफ झुकने लगता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा के इस कपड़े को हम बराबर से कटिंग कर देंगे। 3 इंच की बाजू की कटिंग करनी है, तो ऊपर जो हमारा बॉर्डर आप देख रहे हैं वहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ड्रॉ किया है मैंने, वैसे आर्म होल का शोल्डर का ऐसे आपको ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, इस बात का ध्यान देना है। बहुत लोगों का होता है कि जो नए लोग होते हैं, बिगनर लोग होते हैं, वो आगे पीछे का पार्ट सेम कटिंग कर देते हैं, जिससे अगर हमारा टक्स वगैरह हम बनाते हैं तो आगे का पार्ट जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो सिलाई के टाइम क्या करेंगे, शोल्डर तो सही सिल लेंगे लेकिन जो फिटिंग की सिलाई होती है ऊपर नीचे करके सिल देते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है आपकी सिलाई करने का। तो ये हमारी कटिंग हो गई आगे और पीछे के पार्ट की। इसके बाद आप पीछे वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हम जितने इसके गला चाहते हैं इसके गला का निशान हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे गोल गला, यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच और ऊपर गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, 2 और 3 को लाके मिला देंगे और 1 इंच का एरो का शेप देके इसकी गोलाई देके हम गले की कटिंग कर देंगे। जो कपड़ा बचेगा इस कपड़े का मुंह का ही पट्टी यूज कर लेंगे, बिल्कुल भी कपड़ा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा गोल गला का कटिंग, इसको हम साइड में रखते हैं। और आपको एक और हम सीक्रेट चीज बता देते हैं, पीछे वाले पार्ट से कभी भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है, तभी आपका आगे का जो पार्ट है कटोरी चपटी नहीं होगी। 4 टक्स आप बनाएंगे तो तीरे का निशान देंगे तो कटोरी चपटी नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा हुक पट्टी। इसके बाद आगे वाले पार्ट में हमें आर्म होल का शेप देना है, तो 1/2 इंच ऐसे छोड़ते हुए आप आर्म होल का शेप दे दीजिए। उसके बाद गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच, क्योंकि आगे के गला आप मैक्सिमम 7 इंच ही रखिए, 7 इंच। उसके बाद एक और निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पे और एक निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे। 7 इंच पे जो मैंने निशान लगाया वो गले की लंबाई का निशान है, नीचे 2.5 ऊपर 2 करके हम ऐसे ड्रॉ बनाएंगे, 1/2 इंच का तीरा देंगे और गोल गला का कटिंग करेंगे। उसके बाद जो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है 2 इंच करके आपको ऐसे तीरा का निशान देना है, 4 टक्स ऐसे आपको देना है। तीरा का शेप कैसे देना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ऐसे आपको तीरा का निशान देना है। उसके बाद होता है बेल्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाप लीजिए कितने इंच का है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हमारा 4.5 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 और इसको हम हल्के हाथों से ऊपर की तरफ गुलाई देके ये हमारा बेल्ट बना देंगे। बेल्ट आपको हल्के हाथों से गुलाई देके गुलाई में करना है और इसके बाद हम गले की कटिंग कर देंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप आपको 1/2 इंच देना है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कम ना रहे ना ज्यादा ज्यादा रहे। उसके बाद पीछे साइड भी हम टक्स का निशान लगा देंगे। शोल्डर 3 इंच ही रखना है आपको, 3 इंच से कम भी रख सकते हैं आप, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, आपका कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये हो गया आगे पीछे का पार्ट, ये हो गया हमारा हुक आई पट्टी, इसको बराबर से कटिंग कर लेंगे और इसको यहाँ पे साइड से हम सिल के ऐसे सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम इसको आई पट्टी में यूज कर सकते हैं। आगे पीछे का टोटल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा हुक पट्टी हो जाएगा, ये हमारा आई पट्टी हो जाएगा। उसके बाद हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो बचे हुए कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड है, इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस कपड़े को बराबर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 इंच की बाजू चाहिए, वर्ली बॉर्डर का बाजू निकालना है, तो इसको ऐसे हम नाप लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा चेस्ट है उसका नाप लेना है। यहाँ पे लंबाई हम 3 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे हम नाप के दिखा दे रहे हैं, मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ, 3.5 इंच रखी हूँ। यहाँ पे चेस्ट हमारा 36 का था, तो यहाँ पे हम लेंगे 8 इंच, 8 इंच पे लेना है आपको 1 इंच और यहाँ पे आपको 1 इंच लेके ऐसे हल्के हाथों से ऐसे बाजू की शेप दे देनी है। ये हो गया हमारा 3 इंच की बाजू की कटिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे हल्के से हाथों शेप देना है, 20 सेंटर में कटिंग करनी है और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच गहरा आपको बाजू का शेप देना है, जिससे हमारे बाजू में फूलन की प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया हमारा आगे पीछे का पार्ट और बाजू की। अब आपको बचे हुए कपड़े में एक पाइपिंग निकालना है, उड़े भी पट्टी की कटिंग कैसे करनी है। तो जैसे कि देख रहे हैं कितना कपड़ा हमारा बच गया है, तो यहाँ पे हम आगे पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2-2 इंच का हम नाप लेंगे, 2-2 इंच का आपको ऐसे नाप ले लेना है। ये पीछे का हम पहले आपको पट्टी निकाल दे रहे हैं, जो हमारा कमर में यूज होगा, कमर में आपको लगा के अंदर की तरफ फोल्डिंग करना है, ऐसे बता दे रहे हैं आपको। यहाँ से आपको ये पट्टी जोड़ना है, इस साइड से ऊपर की तरफ से रखते हुए अंदर तरफ ले जाना है और उसकी तुरपाई करनी है।
हो, ये हो गया हमारा आगे पीछे का टोटा पार्ट। अब बचे हुए कपड़े का आपको पाइपिंग निकालना है, तो पाइपिंग निकालने के लिए आपको उरेबी पट्टी की कटिंग करनी है। तो आप एक इंचल के सहारे से भी कटिंग कर सकते हैं, 2 इंच से ज़्यादा नहीं और 1.5 इंच से कम नहीं, आपको यहाँ पे उसकी उरेबी पट्टी की कटिंग करनी है। तो ऐसे आपको अपनी पाइपिंग की कटिंग कर देनी है। बहुत ही इजी और सरल कटिंग मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आशा कर रहे हैं कि आपको ब्लाउज की कटिंग समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे उरेबी पट्टी की कटिंग कर देंगे, जो हमारा पाइपिंग बनेगा। आप पाइपिंग भी बना सकते हैं और गले की तुरपाई भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाइपिंग की कटिंग। बचे हुए कपड़े का अगर पाइपिंग कम पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे, ना आपको दिखा देते हैं, 2 इंच है। तो आशा कर रहे हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।